सलमान खान का विवादित शो बिग बॉस 14 अगले महीने ऑन एयर होगा। शो शुरू होने से ठीक पहले मेकर्स अपना सारा काम खत्म करने में जुटे हुए हैं। बिग बॉस के घर को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। बीते 5 महीनों में बहुत से टीवी और बॉलीवुड स्टार्स को इस शो में आने का नोटा भेजा गया था, हालांकि कईयों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। इस लिस्ट में अब टीवी की नागिन के नाम से फेमस निया शर्मा का नाम भी शामिल हो गया है। काफी समय से खबरें आ रही थी कि निया शो में हिस्सा लेंगी और मेकर्स ने भी निया के नाम पर मोहर लगा दी थी, लेकिन अब उन्होंने शो से अपने निजी कारणों की वजह से किनारा कर लिया है। सलमान का शो अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन उसे झटके लगने शुरू हो गए हैं। कुछ समय पहले ही निया शर्मा ने खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया की ट्रॉफी अपने नाम की है। रिपोर्ट की माने तो अब निया शर्मा बिग बॉस में जाना ही नहीं चाहती हैं। निया शर्मा को डर है कि सलमान खान के शो में जाने से उनकी इमेज पर बुरा असर पड़ेगा। उनको लगता है कि उनके गुस्से की वजह से बिग बॉस के घर में काफी हंगामा क्रिएट हो सकता है। वहीं रिपोर्ट की माने तो मेकर्स बिग बॉस 14 के समय को कम करने का मन बना रहे हैं। शो 4 अक्टूबर से रात 10:30 बजे ऑन एयर हो सकता है। इस बार के एक एपिसोड की लंबाई केवल आधा घंटा ही होगी। हालांकि सलमान भी इस बात को लेकर हैरान है। माना जा रहा है कि शो का टाइम घटाने के पीछे की वजह कोरोना वायरस है। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि शो के सभी कंटेस्टेंट 1 अक्टूबर को ही बिग बॉस के घर में एंटर हो जाएंगे। बिग बॉस 14 से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।